विदु रावल जी, आप जैसी दमदार सरकार रहते हुए आपसे जुड़े लोग इस प्रकार की बात कैसे कह लेते हैं और आपके काबू में नहीं आ रहे ये लोग। अब ब्रजभूषण शरण सिंह का परिचय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर बाद में दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और भाजपा के सांसद का पहले दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी जैसा चमत्कारिक नेतृत्व, अमित शाह जैसा तेज तरवार नेता, जेपी नड्डा जैसा संगठक की मौजूदगी, उसके बावजूद भी ऐसी जग हंसाई, क्या मजबूरी आन पड़ी है विदु रावल जी, जो आपको हमारे और मनदीप जी के ऐसे सवालों का सामना करवा रहे हैं। ये ब्रजभूषण शरण सिंह और संजय सिंह तो सीधे चुनौती दे दी आपकी सरकार को, इतनी हिम्मत तो कांग्रेस या अन्य नेता भी ना दे पाए जितना संजय सिंह जी आज दे दिए। क्या हम नहीं मानते ये निलंबन फिलंबन? मोदी सरकार का फैसला मानने से ब्रजभूषण शरण सिंह के राइट हैंड संजय सिंह ने खुलेआम ऐलान कर दिया, विदु रावल जी आपकी इज्जत आबरू का हो क्या रहा है? डॉक्टर साहब, आपका ये कहना हमारी दबे की सरकार है, ये जनता के आशीर्वाद से, जनता के प्यार ने से ये सरकार तौर पर राष्ट्रहित में जो जो कार्य होते हैं उन कार्यों को लगातार करती है। उस नाते से अगर आप दबदबा हमारा दिखाना चाहें तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये दबदबे की इसलिए सरकार है क्योंकि देश की जनता ने इसको बड़े भारी प्रचंड बहुमत के साथ जो है आशीर्वाद दिया हुआ है। जहां तक बात रही आपकी किसी प्रकार से कौन डिफाई कर रहा है ऑर्डर्स को, तो देखिए इस पर भी जो है अभी जैसे केंद्रीय खेल मंत्रालय ने एडॉक कमेटी बनाई है, वही डिसीजंस ले रही है। अभी कोई इस प्रकार से अगर डिफाई करता है तो आगे क्या कहना ये भी खेल मंत्रालय तय करेगा। ये बात आपने ठीक कही है कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण का नाम खूब चर्चा में रहा है, लेकिन वो एक खुद कह चुके हैं कि वो उनका WFI से अब कोई लेना देना नहीं है, वो WFI को छोड़ चुके हैं। अब जो कानूनी मामला है जो कोर्ट में चल रहा है उसका कोर्ट में चलान पेश हो चुका है, कोर्ट के अंदर दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं, कोर्ट उसका निर्णय लेगा। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी का इस मामले से कोई सीधा सीधा ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये जरूर दुख और तकलीफ का विषय है कि हमारे जो रेसलर्स हैं, पीपल हु हैव ब्रॉट ग्लोरी टू दिस नेशन, वो जरूर जो है कहीं ना कहीं अगर किसी प्रकार से तकलीफ में है, शिकायत में है, तो जरूर आम नागरिक का जिस प्रकार से इस पर ध्यान खींचा है, हमारा भी उतना ही है। और खेल मंत्रालय अपने जिस प्रकार से खेल मंत्रालय से अपेक्षित किया जाता है, हमने तुरंत जो है एक्शन लेते हुए, खेल मंत्रालय ने संजय सिंह वाली जो समिति जो गठित हुई थी, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करने के बाद जो आई थी, उसके एक निर्णय के बाद जो निर्णय हमें प्राइमा फेसी लगा कि शायद ठीक नहीं है, उसके बाद खेल मंत्रालय ने उस समिति को, उस भारतीय कुश्ती संघ को उस समय के लिए सस्पेंड कर दिया और एडहॉक कमेटी बना दी गई।